कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, आए दिल पर लगाकर ठेस। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश चांडिल्ले हैं, काफी मशहूर सिंगर हैं, बहुत बड़े बड़े गाने इन्होंने गाए हैं, बनो तेरा स्वैगर हो गया या बधाई हो गया। ब्रजेश, कितना बड़ा नुकसान संगीत की दुनिया को लता मंगेशकर का जाना। बहुत बड़ा नुकसान है ये लता जी का नहीं होना, मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हर आम आदमी के लिए है ये। मुझे लग रहा है कि ऐसी पहली हमारे देश की गायिका हैं, ऐसी धरोहर हैं जिनके नहीं रहने का गम हर घर में होगा, हर घर में मातम होगा इसका। ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे घर से कोई चीज चली गई है और बहुत पूरा ध्यान ही कहीं नहीं जा रहा है और एक अलग सा बोझ लग रहा है दिल दिमाग पे कि ये क्या हो गया। ऐसा बात सिर्फ एक गायक कलाकार का नहीं है, बात यह है कि जैसे लग रहा है कि हमारे यहाँ हमारे ऊपर से कोई सी बड़े का साया चला गया, सच ये है। अच्छा, आपकी किस तरह की यादें रही लता मंगेशकर से, कभी मिलना हुआ या उनसे किसी तरह का जुड़ाव कभी रहा? एक बार वो एक स्टूडियो में आई हुई थी और वहां हमने देखा था, मैं मिला था और मैं पैर छूने का अवसर मिला है, बाकी क्योंकि उस वक्त हम खुद भी संघर्ष कर ही रहे थे, तो एक जो एहसास था, एक जो देखने का ऐसे लग रहा था कोई सपना पूरा हो गया, कोई ड्रीम हमारा था इनसे मिलने का, एक ऑरा है और वो आज भी मतलब ऐसा लगता है भर नजर के मैं देख नहीं पाया उन्हें, मतलब उनको फेस कर पाना अपने बस की बात नहीं थी और इतना बड़ा उनका एक अपने कार्य करने का, अपनी बहुत सारी चीजों का एक ऑरा है जो हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हम खुद नजर झुका ले रहे थे कि ऐसा लग रहा था कैसे देखूं। अच्छा, वैसे तो उनके हजारों गाने हैं, कुछ एक गाने जो आपके दिल के करीब हों या कहूं कि सबसे फेवरेट, असल में सबसे फेवरेट जो है वो शायद कहा नहीं जा सकता क्योंकि लता मंगेशकर के गाने आप जब सुनना शुरू करते हैं तो टॉप 10 टॉप 20 लिस्ट खत्म ही नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे गाने जो आपके दिल के करीब हों। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने गाने हैं उनके कि उसमें से एक चूज करना तो सभी के लिए कठिन काम है, लेकिन कोई एक गाना बताना हो तो ऐसे बहुत सारे गानों में से कोई एक अभी मुझे जो बहुत पसंद है उनका वो है ऐ दिले नादां, जो बहुत ही मतलब हर वक्त ऐसा लगता है मन को ठंडा कर रहा है, वो गाना सुन के शांति फील होता है। देन मेघा छाया आधी रात, ये मेरे बहुत करीबी गाने थे जो मैं डायरी में नोट किया हुआ था कि ये गाने मुझे बहुत पसंद थे, फिर आपकी नजरों ने समझा, इस तरह के कितने गाने हैं। तो वो पोएट्री मेघा छाया आधी रात तो ऐसा लगता है कि मतलब वो मेरा घर हो, मेरा आंगन हो, मेरा दिया है, मेरा जिया है, ये सब कुछ मेरा जल रहा है, मेरे पे बीत रहा है। सो वो लता जी ही है जो इस तरह की चीजों को दे पा रही थी उस वक्त। अगर बड़े कंपोजर, बड़े राइटर ये सारे लोग अच्छे थे तो उनमें भी एक बहुत बहुत अच्छी बात ये थी कि लता जी थी उन लोगों के पास। अच्छा, आपने खुद बहुत बड़े बड़े गाने गाए हैं, बहुत सुपरहिट रहे हैं कई गाने, तो आपने जब गायकी की शुरुआत की थी तो क्या कहीं लता मंगेशकर एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि आप मेल सिंगर हैं तो क्या कहीं लगा था कि लता जी से कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है? लता जी मतलब उनकी एक बूंद भी अगर अपने अंदर आई हो उनको सुनकर के ना तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें जब भी सुना एकदम डर के सुनते थे, ऐसा लगता था कि इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने अब वो बाउंड्री तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एकेडमी, जब हम सीखने से भी पहले हमारी स्कूलिंग इन्हीं गानों से होती थी कि लता जी को सुन रहे हैं किशोरदा या रफी साहब या मन्ना डे, तो
इन लोगों को सुन करके ना एक कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तो अंदर जो रियाज का एक मुद्दा उठा है, जो जो गाने का एक्सप्रेशन आया है उसमें सुनने का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें लता जी का भी बहुत बड़ा योगदान 100% है, जबकि उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं होते हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन इंस्पायर तो करती हैं वो कि आपको गाना चाहिए और कैसे गाना चाहिए वो अब आपके भाव पे डिपेंड करता है कि कितने सोल पे आप लेते हैं सारी बातें। उनका कोई एक ऐसा गाना या गाने मैं कहूंगे एक चुनना बड़ा मुश्किल होता है जो आपको लगता हो कि यार काश ये मैं लता जी के साथ गाता, सपना मतलब गाने का मौका मिलता नहीं मिलता क्योंकि लता जी इतनी बड़ी हैं कि उनके साथ हर कोई हर सिंगर शायद गाना गाना चाहे, लेकिन कोई एक ऐसा गाना जो आपकी हसरत हो कि यार ये लता जी के साथ मैं गाता उनका गाना, और कोई एक आपका गाना जो आपको लगता अच्छा इसमें अगर लता जी के साथ गाता तो बात ही अलग होती। मुझे ये इत्तफाकन ही हो पाता कभी कि जैसे किसी ने भी जो भी इस दौर के बहुत सारे सिंगर्स हैं कोई ऐसा नहीं सोचा होगा कि लता जी उनके साथ गाएंगी, लेकिन एक क्रिएट होता है सारी चीजें, वो टीम एंड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ये सारी चीजें कि जो सबके अरमान होते हैं कि लता जी इसमें गाए, तो उनकी वजह से बहुत सारे इत्तफाक होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सिंगर को गाने का अवसर भी मिला। तो इत्तफाक ही होता कि मैं गा पाता, नहीं तो मेरे सोच के बाहर था, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि लता जी के साथ मैं गाऊंगा, इम्पॉसिबल, मैंने नहीं सोचा था। तो एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है जो इस वीर जारा का था, ये गाना था अपना तेरे लिए, जी जी वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि मैं हमेशा गाता रहता हूँ। इवन एक एक पार्ट लता जी ने जो आलाप तक लिए हैं, जो भी फीलर गाए हैं, वो भी मैं अगर ना गाऊं तो पूरा गाना नहीं खत्म कर पाता हूँ। तो वो सॉन्ग अगर ऐसा कहीं होता कि वो चांस बनता तो बिल्कुल मन में होता है कि ये गाना अगर गाते तो कितना अच्छा होता। ब्रजेश, आखिर में कोई एक गाना या कुछ पंक्तियां जिनके जरिए लता जी को आप याद करना चाहेंगे, श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? गुनगुनाना मैं नहीं कहूंगा क्योंकि शायद गुनगुनाना इस वक्त संभव भी नहीं होगा, लेकिन कुछ एक पंक्तियां लाइनें आप कह सकें उनके लिए आखिर में श्रद्धांजलि के तौर पर। सिर्फ यही कहना है कि लता जी गाई ही थी वो गाना, कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए आए दिल पर लगाकर ठेस, कहां तुम चले गए। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, मैं हैंग हूं इस समय जी। नहीं, मैं भावनाओं को समझ रहा हूं बिल्कुल, और मैंने आपसे गुनगुनाने को तो कहा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है इस वक्त गुनगुनाना जो है वो संभव नहीं है क्योंकि पूरा देश जो है वो शोक में है, और लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है, और लता मंगेशकर तो खुद कह गई है कि मेरी आवाज ही पहचान है, और वो आवाज हमेशा सदियों तक जिंदा रहेगी, जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री है तब तक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।